देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपकी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि कोई भी एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन का, और उस मीडियम में कोई एक पॉइंट है, वहां से लाइट को ट्रेवल करनी है किसी दूसरे मीडियम में म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और वहां पे पॉइंट बी ले रखा है। तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल के जाता है, तो फिर उस केस में वो वाला पाथ को ही चूज करता है जिसमें उसको टाइम सबसे कम लगता है। सो दैट इज व्हाट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल सेज। जैसे आप इसमें सोचोगे तो मल्टीपल पाथ पॉसिबल है। कोई सोचे बोले तो यहां से यहां ऐसे जाए, फिर ऐसे जा सकता है, बोले हाँ जा सकता है। फिर बोले कोई ऐसे जा सकता है, बोले हाँ जा सकता है। कोई बोले ऐसे जाके फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, बोले जा सकता है। बट इनमें से कौन सा वो चूज करेगा? वो वाला चूज करता है जिसमें उसको टाइम सबसे कम लगता है। ए से बी जाने में उसको टाइम जिसमें सबसे कम लगेगा, वही वाला पाथ को वो चूज करता है। दिस इज व्हाट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल सेज। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो पॉइंट ए जो है वो h1 हाइट है इंटरफेस से, और पॉइंट बी जो है वो h2 हाइट पे है इंटरफेस से। ये h1 और h2 मैंने दिखा रखा है, और ये जो ए और बी है उनके बीच का सेपरेशन जो है हॉरिजॉन्टली, वो मैंने एल दिखा रखा है। तो ए एंड बी का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑब्वियसली फिक्स्ड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फिक्स्ड है। आप पाथ को डिफरेंट चूज करना है। तो मान लेते हैं कि जो रे था वो किसी एक आर्बिट्री पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, और ये आर्बिट्री पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो इधर से x डिस्टेंस पे था, ठीक है? तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मार्क करके दिखा रखा है l माइनस x है, ठीक है? अब ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, थीटा वन थीटा टू आपको आराम से मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है a से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का वो हो गया रूट अंडर h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पॉइंट b का डिस्टेंस हो गया रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर, ठीक है? अब टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा लाइट को, तो वो कितना लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो यहाँ पे c अगर मीडियम में लिखना चाहते हो तो c मीडियम में होती है, c इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो ये वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी। तो c1 अगर चाहिए मीडियम 1 में, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो c डिवाइडेड बाय म्यू 1 करना पड़ेगा, और मीडियम 2 में चाहिए तो c डिवाइड बाय म्यू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको पता है कि टाइम की वैल्यू अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम को, एंड फिर इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट है। तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आप खुद से चेक कर लेना डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। एंड रिजल्ट देखो काफी अच्छी आ गई है। एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन जो आई है ये आई है म्यू वन इंटू एक्स बाई रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई रूट अंडर, ये देखो एक्स बाई, सॉरी ये चेक करो, ये एक्स है और ये है रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर, मतलब ये वाला डेटा। ये एंगल आपको पता है थीटा वन है, तो साइन थीटा वन का ही वैल्यू तो हो गया ना एक्स बाई रूट अंडर एच वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर। सिमिलरली आर एच एस में अगर आप देखोगे तो यही है म्यू टू एंड इंटू L minus x by h root under h2 square plus L minus x का square। ये अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल से देखोगे, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये है L minus x और ये वाला है root under h2 square plus L minus x का square। तो इसका मतलब ये sin theta 2 हो गया। इसका मतलब mu1 sin theta 1 equal to mu2 sin theta 2 आ गया, जो कि आप स्नेल्स लॉ से जानते हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली किसी भी एक मीडियम में कितनी फास्ट चल सकता है लाइट, और दूसरी मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर उसको जाना है और टाइम सबसे कम लगाना है, तो फिर उस केस में वो वही वाली पाथ को चूज करता है, मतलब वही वाली पाथ को चूज करता है जिसमें स्नेल्स लॉ सेटिस्फाई होती है, ठीक है? तो इसको एक स्टैंडर्ड रूल की तरह ध्यान रखिएगा कि स्नेल्स लॉ जिस पाथ में सेटिस्फाई होती है वही वाली पाथ में आपका टाइम सबसे कम होता है। अब इसको एक डेली लाइफ में एक एप्लीकेशन की तरह दिखाते हैं, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है उसमें इसका यूसेज करेंगे। नॉर्मली ये बुक्स में डिफरेंट तरीके से होता है, मैं आपको फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से डायरेक्टली यूज करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ फिशिंग बोट इज एंकर्ड 9 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन अ शोर। डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, ये देखो। सो यहाँ पे एक शोर दिखा रखा है, ये एक शोर है और इस शोर पे यहाँ पे एक बोट है, ठीक है? एंड ये 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द शोर। तो यहाँ पे भी आपका ये भी एक शोर है, ये दूसरा शोर है। बेसिकली एक रिवर है तो उसका ऑब्वियसली दो शोर होगा, एक इधर का शोर होगा, इधर का शोर होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब उसने क्या रखा है, मैसेंजर मस्ट बी सेंट फ्रॉम फिशिंग बोट टू अ कैंप, कैंप यहाँ पे दिखा रखा उन्होंने, दिस इज अ कैंप 15 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द शोर क्लोजेस्ट टू द बोट। ये है आपका, यहाँ से 15 किलोमीटर है।
इफ द मैसेंजर कैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वो वॉक कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से, एंड रो एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली रोइंग स्पीड कम है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन किलोमीटर्स फ्रॉम द शोर वेयर ही मस्ट स्टार्ट रनिंग सो दैट ही कैन रीच द कैंप इन लीस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक है, ये आपको निकालनी है. अब इसको कैसे करें, वापस से सोचो कि अगर ये बोट में, मतलब पानी में इंसान, फिर उतर के फिर जमीन में इंसान नहीं चल रहा होता, अगर ये मान लो कि लाइट रे होता जिसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होता, तो बस ये सोच के देखो कि पहले वो क्या है, पहले वो पानी में ट्रैवल करेगा फिर एयर में ट्रैवल करेगा और उसको सबसे कम टाइम लेना है. तो अब आप बोलोगे कि सर इस केस में ऐसा क्यों नहीं ट्रैवल कर लेता वो ऐसा डायरेक्टली यहां से यहां, तो यहां से देखोगे तो बोलोगे कि सर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो है ये, तो इसको यही ले लेना चाहिए था, लंबा पाथ क्यों ले, शॉर्टेस्ट पाथ जरूर है ये, बट इसमें क्या उसकी स्पीड ज्यादा है, इसमें स्लोएस्ट भी तो ट्रैवल कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ है बट ये स्लोएस्ट ट्रैवल है इसलिए इसमें टाइम सबसे कम लगेगा, ये जरूरी नहीं है, टाइम ज्यादा भी लग सकता है. फिर तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं ट्रैवल कर लेता, फिर ऐसे जाए एंड फिर ऐसे चला जाए, मतलब ज्यादा देर तक वो फास्ट चले अपने पाथ में, तो ये जरूरी नहीं है. देखो इस तरह से जब आप चल रहे हो तो इस केस में अपने पाथ लेंथ काफी लंबा कर दिया, यू हैव एक्सटेंडेड द पाथ लेंथ बाय अ लार्ज अमाउंट, तो इसलिए लार्ज लंबा पाथ लेंथ अगर फास्टर भी चल रहे हो तो इसलिए आप हो सकता है कि टाइम आपका ज्यादा लग जाए, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करके कहीं बीच में आपको लैंड करना पड़ेगा, कहां पे लैंड करना अभी आपको पता नहीं है बट बीच में कहीं लैंड करना पड़ेगा ताकि आप जो है मतलब एक आपकी स्पीड जो है वो मतलब कहीं पे ज्यादा थी कहीं पे कम थी एंड पाथ लेंथ जो है वो कहीं पे ज्यादा हो जा रहा था कहीं पे कम हो जा रहा था, तो ये कॉम्पनसेट आपस में हो जाए, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी ना रहे क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा उसमें आप सबसे स्लोएस्ट चल रहे थे और जो लंबा वाला पाथ है उसमें आप फास्टेस्ट चल रहे थे, तो सबसे लंबा पाथ है उसमें फास्टेस्ट चल के कोई फायदा नहीं है और जो सबसे छोटा पाथ है उसमें स्लोएस्ट चल के भी कोई फायदा नहीं है, तो बीच का किसी पॉइंट पे आपको लैंड करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम सबसे कम लगे. अब इसमें सोचा कि अगर ये लाइट रे का ट्रैवल होता तो इस केस में अगर लाइट पानी से फिर एयर में जा रहा है तो फिर उस केस में इसको ऑब्वियस है कि अगर यहां से मतलब पानी से फिर एयर में बाहर निकल के मतलब इंटरफेस पे ही ग्रेज करके बाहर निकलना है तब तो आपको पता है ना क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करना पड़ता है. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है मैक्सिमम एंगल है रादर जब तक आप स्नेल्स लॉ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब रे आपको इमर्जेंट रे मिलेगा, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हो तो फिर उस केस में रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है सेम मीडियम में. अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करोगे एग्जैक्टली तो फिर उस केस में ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर उस केस में आप स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते थे कि म्यू 1 इनटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू 2 साइन 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सी की वैल्यू मिल गई म्यू 2 बाय म्यू 1 एंड म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट था, तो इसका मतलब म्यू 2 बाय म्यू 1 की वैल्यू को हम v1 बाय v2 लिख सकते थे. अब बस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको स्पीड ऑफ लाइट नहीं करके अब इसको स्पीड ऑफ पर्सन चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मीडियम जो है वो वाटर था, वो वाटर में उसकी स्पीड कितनी थी 4 थी एंड बाद में जब वो लैंड कर रहा था मतलब जब वो बोर्ड से उतर के फिर जमीन पे गिर रहा था तो जमीन पे वो चल रहा था वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो वो v2 भी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई है एंड जैसे ही साइन थीटा 4/5 मिल गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 53 डिग्री हो गई. जैसे थीटा आपको 53 डिग्री मिल चुका है तो फिर उस केस में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू को यूज करके एक्स निकाल सकते हो. टैन थीटा की वैल्यू को यूज करके हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक्स मिल गया है. एंड फिर अगर आपको टाइम चाहिए था कि मिनिमम टाइम कितनी है वो तो उसने पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, बट अगर पूछा होता तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस भी पता है क्योंकि एक्स निकल चुका है, तो ये वाले डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v1 कर लेंगे और ये वाले डिस्टेंस डिवाइड बाय v2 कर लेंगे, आपको मिनिमम टाइम भी मिल जाएगा. तो देखो वही कर लिखा है, तो यहां से हमें टाइम भी मिल गई है. ठीक है.